अध्यक्ष कमलनाथ आज विदिशा जिले के कुरवाई पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। तो विदिशा पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, और इस मौके पर वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। जगह जगह ये बात करता हूं कि पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है। मुझे कहा गया कि पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। ये आज हालात भ्रष्टाचार के। और शिवराज सिंह की घोषणा मशीन आजकल डबल स्पीड पे चल रही है। 22,000 घोषणाएं कर दी, पर आज तो डबल स्पीड में चल रही है, क्योंकि 16 दिन ही बचे हैं। बड़े प्यार से मध्य प्रदेश की जनता इन्हें विदा करेगी। हमारे यहाँ ऐसी योजनाएं आए जिससे कोई ट्रैक्टर चला ले, कोई गाड़ी चला ले, कोई ढाबा खोल ले, पर जो योजनाएं आती हैं 50% कमीशन देने के बाद बचता क्या है। ये आज हालात अपने प्रदेश के हैं।